तो मैम ये चाइयाँ किस कारण से होती हैं और ये लेडीज में ही होती हैं या जेंट्स में भी होती हैं? छाइयों के कई कारण होते हैं, लेडीज में ही नहीं जेंट्स में भी पाई जाती है ये। जो इसका मेन रीज़न है सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर इसका मेन कारण होता है। जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं, धूप में काम जिनका ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं छाइयाँ होने के। सन एक्सपोजर के साथ साथ कई बार ये जेनेटिक भी देखी जाती हैं, अगर फैमिली में हैं तो बच्चों में हो सकती हैं, और खून की कमी से होती हैं छाइयाँ। प्रेगनेंसी एक रीज़न रहता है, प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनते हैं जो छाइयों का कारण होते हैं। कुछ लेडीज़ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनमें भी छाइयों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये मेन कारण है छाइयाँ होने के। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। सबसे जो मेन चीज़ है इसमें वो होता है सनस्क्रीन का यूज़ करना। सनस्क्रीन का यूज़ अगर आप करेंगे तो छाइयाँ कम भी होंगी और आगे बढ़ने से भी रुकेंगी, या जिनमें नहीं हैं वो उनको भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए ताकि छाइयाँ ना हों। और कई तरह की दवाइयाँ आती हैं जो छाइयों के लिए बनी हैं, उसके लिए जो जिनको छाइयाँ हैं एक किसी स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो उनको ट्रीटमेंट बताएंगे उसका। सनस्क्रीन का यूज़ होता है, दवाइयाँ होती हैं, बाकी प्रोसीजर्स हैं जैसे केमिकल पीलिंग्स, बहुत तरह की केमिकल पील्स आती हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर इन सब के बावजूद भी नहीं ठीक होती छाइयाँ तो उसके लिए लेज़र्स हैं, लेज़र्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे लेज़र्स हैं जिनके बहुत अच्छी एफिकेसी है इसमें छाइयों में। हमने देखा है कई बार लेडीज़ को प्रेगनेंसी में जो छाइयाँ होती हैं, तो जैसे कईयों को होती ही हैं प्रेगनेंसी में, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले से प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए या बाद में जैसे हो जाती है तब देखना चाहिए? नहीं, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही प्रिकॉशन ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें जो हॉर्मोन्स बनते हैं वही छाइयों का कारण होते हैं। तो जो मेन है वो है सनस्क्रीन का यूज़। सनस्क्रीन का यूज़ आप शुरू से ही करेंगे और धूप से बचेंगे, और विटामिन सी, विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। विटामिन सी मिलता है आपको जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, आंवला है, नींबू है, इनका इंटेक ज़्यादा रखने से स्किन अच्छी रहती है और छाइयों से भी बचाव रहता है। सब एज वाले पर्सन को एक ही तरह का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए या कुछ SPF के अकॉर्डिंग करना चाहिए? बच्चों के लिए जो सनस्क्रीन अवेलेबल हैं वो अलग हैं, बड़ों के लिए अलग हैं। बाकी इंडियन स्किन में 15-16 SPF का सनस्क्रीन भी अच्छा रहता है, बाकी जिसको छाइयाँ हैं वो 30 SPF का सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर कीजिए।